नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हवलदार बहादुर और उस्ताद पेड्रो। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। हेलो सेठ रामलाल, सेठ जी ने तुरंत पहचान लिया कि ये उसी बदमाश की आवाज है। मैं अभी रामनगर से वापस आ रहा हूं मिस्टर, अगर तुम्हें सामने नहीं आना था तो मुझे वहां भेजने का मजाक क्यों किया? ये मजाक नहीं था सेठ, बल्कि रिहर्सल थी। हम ये देखना चाहते थे कि तुमने पुलिस के साथ मिलकर कोई जाल तो नहीं फैलाया हुआ। फिर क्या देखा तुमने? हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। कल दिन में तुम्हें फिर फोन करेंगे और हमारा फोन सुनने के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें रुपया लेकर हमारे बताए हुए स्थान के लिए निकलना होगा। इतना कहकर फोन बंद कर दिया गया। उधर हवलदार बहादुर देहाती व्यक्ति का हुलिया बनाए पुरानी हवेली के सामने एक पेड़ पर चढ़ बैठे थे। सारी रात हो गई इस पेड़ पर बैठे, लेकिन अभी तक वो बदमाश नजर नहीं आया। लेकिन इस हवेली में कुछ रहस्यमय लोग जरूर रहते हैं। रात भर यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। तभी हवेली से दो व्यक्ति बाहर निकले। ये तो इधर ही आ रहे हैं। वो दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गए। उस्ताद पेड्रो तो कल शाम से ही लौटे ही नहीं, कहकर गए थे कि माल पैक कराने के लिए कुछ मजदूरों को भेजेंगे, लेकिन ना तो कोई मजदूर आया और ना ही खुद आए। उस्ताद पेड्रो जिस काम के लिए गए हुए हैं वो काफी खतरे वाला और मुश्किल काम है। शायद इसलिए मजदूर भेजने की बात वो भूल गए हैं। लेकिन हमारा काम तो मजदूरों के बिना रुका हुआ है। खैर, मैं खुद जाकर कुछ मजदूर पकड़ लाता हूँ। शाम तक माल पैक ना हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। ये ठीक है, तुम जाकर मजदूर ले आओ, मैं हवेली में ही रुकता हूँ। उन दोनों के जाने के बाद ये उस्ताद पेड्रो कौन है और वो दोनों किस माल को पैक करने की बात कर रहे थे? फिर हवलदार ने सोचा, मुझे मजदूर बनकर हवेली में जाना चाहिए। अगर मेरी चंपा कली को इन्हीं लोगों ने अपहरण किया है तो वो वही होगी। मैं आ रहा हूं चंपा कली। फिर वो सीधे हवेली में प्रविष्ट हो गए। यहां तो कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा है। तभी, ओए कौन है तू? मैं मजदूर हूं जी, उस्ताद पेड्रो ने भेजा है। ओ, उस्ताद ने भेजा है? और उसने हवलदार को हवेली के भीतर एक हॉल में पहुंचा दिया। कौन है ये? मजदूर है खलीफा, उस्ताद पेड्रो ने भेजा है। तुम्हें उस्ताद पेड्रो ने भेजा है? हाँ जी, उन्होंने कहा था कि यहाँ कुछ माल की पैकिंग वगैरह होनी है। लेकिन तुम अकेले क्यों आए हो? उस्ताद को तो 8-10 मजदूर भेजने थे। मुझे कुछ पता नहीं बाऊजी, कल शाम उस्ताद पेड्रो मुझे शहर में मिले थे और यहाँ का पता बताकर कहा था कि सुबह यहाँ पहुंच जाऊं, मुझे काम मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, गोगा इसे ऊपर हॉल में पहुंचा दो और पेटिया ठोकने के काम पर लगा दो। गोगा के साथ ऊपर जाते हुए हवलदार ने हवा में तीर चलाया। सेठ रामलाल की पत्नी को भी यहीं कैद कर रखा है ना? हाँ। अरे तुम ये कैसे जानते हो? हाँ कहने के बाद गोगा बुरी तरह चौंका था। मुझे उस्ताद पेड्रो ने बताया था कि यहाँ सेठ की पत्नी को बंदी बनाकर रखा गया है, तो मैं अपनी चंपाकली को ढूंढने में सफल हो गया हूँ। ऊपर ऊपर वाले हॉल में पहुंचकर ये पेटियां ठोकनी है तुम्हें। हवलदार ने चारों ओर नजर घुमाई। चरस तो ये धंधा चल रहा है यहाँ। चरस के पैकेट बनाए जा रहे हैं, फिर इन्हें पेटियों में पैक करके कहीं भेजा जाएगा। ए क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं तो फिर काम शुरू कर दो। दोपहर तक 25 पेटियां तैयार हो जानी चाहिए। हवलदार को काम पर लगाने के बाद गोगा नीचे पहुंचा। खलीफा मुझे कोई गड़बड़ लगती है। कैसी गड़बड़ बे? वो नया मजदूर सेठ की पत्नी के बारे में पूछ रहा था। क्या? उधर गोगा के जाने के बाद, तुम लोग यहाँ कब से काम कर रहे हो भैयो? यहाँ आपस में बात करने की इजाजत नहीं है, चुपचाप अपना काम करो। इन लोगों से कुछ जान लेना मुश्किल है, मुझे खुद ही चंपाकली को तलाश करना होगा। कुछ देर बाद हवलदार ने हथौड़ी नीचे रखी और दरवाजे की ओर बढ़े। ए कहाँ जा रहे हो तुम? सुसु। वो बाहर कॉरिडोर में निकल आए। यहाँ बहुत से कमरे हैं, चंपाकली इन्हीं में से कहीं बंद होगी। और उन्होंने एक एक कमरे में झांकना शुरू कर दिया। ये तो खाली है।
अपने काम में वो इतने व्यस्त थे कि पीछे आकर खड़ी हुई मुसीबत को महसूस ही नहीं कर सके थे। और जब वो पलटे, अरे बाप रे, अंदर क्या देख रहा था बे? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही। भेसुम, हाय, सच बता कौन है तू और तुझे कैसे पता चला कि सेठ की पत्नी यहाँ कैद है? मुझे उस्ताद पेड्रो ने बताया था। झूठ बोलता है साले, तू जरूर पुलिस का जासूस है। नहीं जी, मैं तो मजदूर हूं, इसको मेरे हवाले कर दो खलीफा, साले की ऐसी ठुकाई करूंगा कि सब सच सच बता देगा। नहीं गोगा, इससे हम उस्ताद पेड्रो के आ जाने पर ही निपटेंगे। फिलहाल इसे भी उसी कमरे में बंद कर दो जहां सेठ की पत्नी कैद है। चल बे, चलो प्यारे, मैं तो खुद अपनी चंपाकली के दर्शन करने के लिए बेचैन हूं। गोगा ने हवलदार को एक कमरे में धकेल कर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। तुम धाड़ चंपाकली, आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया, तो मुझे छोड़कर यहां क्यों आ गई? मैं खुद नहीं आई हूं जी, ये बदमाश पकड़कर लाए हैं मुझे सेठानी के धोखे में। मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि 5,000 की साड़ी और 20,000 के गहने मत पहना कर, मगर तुझे तो सेठानी बनने का शौक था ना? ये बात छोड़ो जी, और बताओ कि तुम यहां कैसे पहुंचे? क्या ये लोग तुम्हें भी पकड़ कर लाए हैं? मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं तो तुझे ढूंढता हुआ यहां तक पहुंचा हूं। अब मैं इसे ये क्यों बताऊं कि तुक्के में यहां तक मैं पहुंच गया हूं? अगर वो बंदा मुझे पागल ना कहता और मैं उसे पकड़ ना लेता तो यहां मेरे फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते थे। इधर सेठ रामलाल को फोन पर आदेश मिला। सेठ, रुपयों का ब्रीफ केस लेकर 5 मिनट के भीतर कोठी से निकलो और कार में बैठकर एक बार फिर रामनगर की तरफ रवाना हो जाओ। रास्ते में तुम्हें सिग्नल दिया जाएगा। सेठ जी जानते थे पुलिस ने उनका फोन टेप किया हुआ है और बदमाशों का संदेश सुन लिया गया होगा, इसलिए वो समय नष्ट किए बिना कोठी से निकल गए। एक बार फिर उनकी कार रामनगर की ओर दौड़ रही थी। इंस्पेक्टर खड़क सिंह कहीं दिखाई नहीं दिया, पता नहीं उसने फोन सुना भी है या नहीं। सेठ जी को पता नहीं था कि आकाश में उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर में इंस्पेक्टर खड़क सिंह उनका पीछा कर रहा था। पायलट सेठ की कार नजरों से ओझल नहीं होनी चाहिए। सेठ जी अपनी कार में रामनगर पहुंच चुके थे। इस बार भी कोई सिग्नल नहीं दिया गया कमबख्तों ने। वापस चलता हूँ, सेठ जी वापस जा रहे हैं। पता नहीं वो बदमाश क्या चाहते हैं, क्या इस बार भी वो रिहर्सल ही करा रहे हैं? वापस शहर पहुंचने तक कोई सिग्नल नहीं मिला था। अब मैं इस चक्कर में और नहीं पड़ूंगा। बदमाशों को फोन आएगा तो साफ कह दूंगा कि उन्होंने मेरी पत्नी का अपहरण नहीं किया है। और जब सेठ जी ने अपनी कोठी के सामने गाड़ी रोकी, ब्रीफ केस दो सेठ, जल्दी। सेठ ने घबरा कर ब्रीफ केस उसके हवाले कर दिया। ब्रीफ केस लेकर गुंडा पास की एक गली में प्रविष्ट हो गया। ब्रीफ केस लेकर वह गली में दौड़ता चला गया। वाली के दूसरी ओर एक जीप में उसके साथी मौजूद थे। उस्ताद पेड्रो आ गए। उस्ताद पेड्रो के बढ़ते ही जीप तेजी से रवाना हो गई। उधर हवेली में, लो खाना खाओ, हम अपने कैदियों को भूखा नहीं रखते। जल्दी, जैसे ही गोका चरपाई पर ट्रे रखने के लिए झुका, धाड़, आई, ये क्या कर दिया भाग्यवान, उसकी तो खोपड़ी फूट गई। जो काम तुम्हें करना चाहिए था मैंने कर दिखाया है, अब इसकी बंदूक उठा लो। बंदूक? मगर हम इसका क्या करेंगे, नीचे खलीफा भी तो है। खलीफा की ऐसी तैसी, तुम नहीं उठाते तो मैं उठाती हूं बंदूक। अब चुपचाप मेरे पीछे चले आओ। सीढ़िया उतर कर वो नीचे हॉल में पहुंचे। ओए, ये बंदूक गोगा कहाँ है? उसके मैंने खोपड़ी फोड़ दी है और अब तेरी बारी है खलीफा के बच्चे। सेठानी जी रुकिए, गोली चल सकती है। तभी, ये क्या हो रहा है? उस्ताद पेड्रो मुझे बचाओ, बंदूक फेंक दो सेठानी, अब हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। नहीं चंपाकली, बंदूक मत फेंकना। तू कौन है बे? ये हवलदार बहादुर सिंह है और मैं इनकी पत्नी हूं। सेठानी के धोखे में तुम लोग मुझे पकड़ लाए थे गधो। ओ, उस्ताद पेड्रो की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अगर तुम सेठ की पत्नी नहीं हो तो उसने मुझे 5 लाख रुपए क्यों दिया? ब्रीफ केस खोलकर देखो उस्ताद, सेठ ने शायद हमें धोखा दिया हो। तभी धाएं, उफ,
कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, लेकिन हम तो हिल सकते हैं ना सर। तुम कैसे यहां पहुंच गए हवलदार? अपनी पत्नी को तलाश करते हुए पहुंचे हैं साहब। ये बदमाश सिर्फ लोगों का अपहरण ही नहीं करते, बल्कि चरस का धंधा भी करते हैं। मैं इनको गिरफ्तार करने ही वाला था कि आप आ गए। लेकिन तुम यहां पहुंचे कैसे इंस्पेक्टर? ब्रीफकेस प्राप्त करने के तुम में तरकीब तो अच्छी लड़ाई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 2 बार रामनगर तक दौड़ाने के बाद तुम सेठ जी की कोठी के बाहर ही ब्रीफकेस उचक लोगे। लेकिन हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। हमने ब्रीफकेस में एक ट्रांसमीटर छुपा दिया था और उसमें भरे रुपए भी नकली हैं। ट्रांसमीटर के सिग्नल्स द्वारा ही हम तुम्हारी पीछा करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, और मैं सिर्फ अपने चंपा कली की खुशबू सूंघता हुआ ही यहां तक पहुंचा हूं। चुप रहो जी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। और इसकी नई कॉमिक्स है हवलदार बहादुर और भगोड़ा कैदी। तो मिलेंगे आपसे इसके अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।